सोचकर देखिए, एक ऐसा हमला जहां पर देश को इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा, वहां पर अर्णब गोस्वामी इस हमले को अपनी एक जीत बताते हैं। जजेस तक को खरीदने की बात वार्तालाप हुई, किस प्रकार से मंत्रिमंडल की पोस्टें किसको मिलेंगी इसका निर्णय पत्रकारों द्वारा किया गया। आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। अर्णब गोस्वामी अक्सर किसी न किसी मामले में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अर्णब पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुर्खियों में थे और फिर टीआरपी स्कैम के। दूसरों की चैट को अक्सर लीक करने वाले अर्णब अब खुद की व्हाट्सएप चैट को लेकर चर्चा में हैं। रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी और टीवी रेटिंग एजेंसी ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच कथित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर हलचल मचा रहे हैं। दरअसल इंटरनेट पर वायरल हो रही ये चैट्स टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस के 3600 पन्नों के सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा है। वायरल हो रही चैट्स में अन्य बातों के अलावा वे बाग के अधिकारियों की ओर से और हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत के पक्ष में रेटिंग में हेरफेर करने के लिए दाम लगाने का सुझाव देते हैं। इसके अलावा इसी चैट में देश की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल जवाब शामिल हैं। इस वजह से ये मुद्दा अब धीरे धीरे सुर्खियों में आ रहा है। देश की सुरक्षा से जुड़ी चैट सामने आने पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। जो व्हाट्सएप चैट्स मुंबई पुलिस की चार्जशीट में सामने आई हैं, ये अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। किस प्रकार से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए, उसमें देश के कौन कौन बड़े से बड़े पदों पर बैठे लोग शामिल थे, कैसे जजेस तक को खरीदने की बात वार्तालाप हुई, किस प्रकार से मंत्रिमंडल की पोस्टें किसको मिलेंगी इसका निर्णय पत्रकारों द्वारा किया गया, इन ये सब देश की सुरक्षा को लेकर और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के खोखले पद और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा करता है। इंटरनेट पर वायरल हो रही ये चैट्स टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा है। चैट में पालाकोट एयर स्ट्राइक से 3 दिन पहले किसी बड़ी स्ट्राइक का जिक्र भी है। इन वायरल व्हाट्सएप चैट्स में अर्णब गोस्वामी 23 फरवरी 2019 को तत्कालीन बाग सीईओ से कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या ये दाऊद के बारे में है तो वे जवाब देते हैं, नहीं सर, पाकिस्तान, इस पर कुछ अहम होने जा रहा है। पार्थो दास गुप्ता अगले मैसेज में स्ट्राइक का जिक्र करते हैं तो अर्णब कहते हैं नॉर्मल स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक होने वाली है और उसी समय कश्मीर पे भी कुछ अहम होगा। मालूम हो कि साल 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इन चार्ट्स को लेकर अधिक जानकारी यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के जरिए भी दी। वे अपने वीडियो में अर्णब और बार्क सीईओ के बीच हुई चैट को पढ़ते नजर आ रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद 14 फरवरी 2019 को अर्णब गोस्वामी एलिजिडली पार्थो दास गुप्ता को व्हाट्सएप पर अपनी तारीफ करते हुए बताते हैं कि कैसे इनका चैनल इकलौता चैनल है जिसकी ग्राउंड प्रेजेंस है कश्मीर में और कैसे ये 20 मिनट आगे थे बाकी चैनल से रिपोर्टिंग करते वक्त। और साथ ही साथ अर्णब गोस्वामी एलिजिडली ये भी लिखते हैं, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। सोचकर देखिए, एक ऐसा हमला जहां पर देश को इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा, वहां पर अर्णब गोस्वामी इस हमले को अपनी एक जीत बताते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इन्हें बहुत सी टीआरपी मिली अपनी रिपोर्टिंग की वजह से। तीसरी चीज, 19 अगस्त 2019 अरुण जेटली जी जब लाइफ सपोर्ट पर थे तो अर्णब गोस्वामी एलिजिडली लिखते हैं पार्थो दास गुप्ता को, जेटली इज स्ट्रेचिंग इट, और फिर कंप्लेन करते हैं कि कैसे उनकी एक मीटिंग डिले हो गई है इसकी वजह से। 17 मई 2017 एलिजिडली लिखा जाता है अर्णब गोस्वामी के द्वारा, ऑल मिनिस्टर्स आर विद अस। इन चैट्स के शुक्रवार को सामने आने के बाद से ही लगातार अर्णब गोस्वामी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। एक धड़ा गोस्वामी पर चैट्स को लेकर निशाना साध रहा है। अर्णब, अर्णब गेट आदि जैसे हैशटैग्स पर अब तक हजारों ट्वीट किए जा चुके हैं। वहीं जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी व्हाट्सएप चैट ट्वीट कर गोस्वामी पर हमला बोला। उन्होंने कहा ये कुछ अर्णब गोस्वामी और पूर्व पार्क सीईओ के बीच की बातचीत के स्क्रीनशॉट्स हैं। इसे पता चलता है कि सरकार में कितनी साजिशें हो रही हैं। कानून वाले देश में उन्हें यानी कि अर्णब को लंबे समय के लिए जेल होती,
जब सुशांत केस में अर्नब ने रिया चक्रवर्ती की चैट लीक की थी जिसमें ड्रग्स का जिक्र था, उसके बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने बॉलीवुड स्टार्स पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। अब तब की अर्नब की वीडियो देखिए। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा, क्योंकि आज मैं सबूतों के साथ पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई, कहां हुई, इस साजिश में कौन कौन शामिल थे। इसका मतलब है कि सुशांत को मारने की, सुशांत की हत्या की पूरी प्लानिंग उसी रात को तैयार हो गया था जिस रात दिशा की हत्या हुई। मैं ये नहीं कहता कि सुशांत को रिया ने मारा, मैं नहीं कह रहा कि सुशांत का गला घोटा रिया ने, लेकिन यह बिल्कुल 100% साफ है कि रिया को पता है कि सुशांत को किसने मारा। अभी तक अर्नब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अर्नब के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई जा चुकी है। मेनस्ट्रीम मीडिया में अभी ये मुद्दा सुर्खियों में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे ही चर्चा टाइम्स नाउ पर अर्नब के मुद्दे पर देखने को मिली। जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामीज अलेजेड इनडिस्क्रीशंस हैव सीवियरली डेंटेड हिज सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेशनलिस्ट क्रेडेंशियल्स। द ऑपोजिशन एंड मिलिट्री वेटरन्स टुडे आर डिमांडिंग एन इमीडिएट इंक्वायरी इनटू द व्हाट्सएप चैट्स दैट अलेजेडली शो द वॉल्यूबल एंकर वाज ओनली टू हैप्पी टू शेयर सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज पोस्ट पुलवामा स्ट्राइक प्लान विद अ टेंटेड फॉरवर्ड Chief of TV Ratings Agency Bark, Partho Se Dasgupta. Let's cover it because you know, it's got this voyeuristic value when you show gore, and we will profit from it, from people's shock, their eye wide-eyed aghastness. I mean, this is the stuff of vulturism. This is the stuff of heinous. Do we cut to visuals of our soldiers being cremated because we think we are going to get a TRP spike? No, we do it so that the unknown soldier is respected on national TV. अर्नब अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। अब ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि अर्नब और बार के पूर्व सीईओ के बीच हुई ये बातचीत कितनी सच और कितनी झूठ है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.